मेरे को बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं लगा प्रसाद क्या एक दिन मुंह देख इसका एक बार एक सरप्राइज है हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सारे मस्त होंगे मैं भी एकदम मस्त हूँ तो आज का सफर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम अभी तो बस रात के 8:54 हो रहे हैं 44 हो रहे हैं 8:44 हो रहे हैं और 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से और हम रात में जाके वहाँ स्टे करेंगे फिर सुबह सुबह दर्शन करेंगे तो ऐसी कुछ प्लानिंग है तभी मम्मी दीदी और जीजू और मेरा लाडो भी जा रहा है साथ में ठीक बस मेरा मैप छूट जाए पापा बैठ रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे बस हम बैक करते हैं गाड़ी और फटाफट यहाँ से निकलते हैं 5 घंटे का रास्ता है पूरा हिलते हिलते जाएंगे और लाडो भाई जयकारा तारे के सहारे की जय तीन बांधारी की जय नीले घोड़े वाले की जय पेट्रोल भरवाते हैं भाई फटाफट थोड़ी बहुत बारिश भी आ रही है देखो बूंदे दिख रही होगा आपको निकलते घर के साथ ही बूंद बारिश आने लग गई थी भाई 3000 का पेट्रोल आया है कम से कम 31 लीटर और देखते हैं भाई क्या सीन है हवा भी चेक करवानी है पहले तो हवा चेक करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं और सीधा हाईवे पे निकलते हैं क्योंकि टाइम लगेगा 2:30 बज जाएंगे है ना लाडो चलो अभी भी 3 घंटे का रास्ता रह गया है और घर से ही खाना लेके आए थे दाल और चावल कौन सी दाल है मिक्स दाल और चावल अभी सब तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं टाइम हो रहा है आपका 2:56 और ये है अपना पता नहीं पहले बुक कर रखा सीटी सहेली है समथिंग करके गेस्ट हाउस है कोई तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं ओए लाडो सो लिए तू इधर देख ले मामा को बोल दो हाय बोल दो मामा के कैमरे में हेलो हेलो बोल दो हैंडशेक करोगे हेलो तो गुड मॉर्निंग गाइस तो कल रात को बस 2.5 घंटे सोए हैं और ये था हमारा इधर ये येलो वाला जो है यहाँ पर हमारा रूम था फर्स्ट सेकंड फ्लोर था ऊपर और यहाँ से वॉकिंग बता रहे हैं कि यहाँ से वॉक करके ही पहुँच जाएंगे हम लोग खाटू श्याम के मंदिर और सुबह का अभी टाइम हो रहा है 6:19 और चलो जय खाटू श्याम की यहाँ पर भी टकला करा नहीं मत तो भाई जैसे ही रास्ते में घुसे हैं वैसे ही हमें रिक्शा मिल गया 20 रुपए यहाँ पर भाई ऐसे जबरदस्ती हाथ पकड़ के आपके अंदर ले जाएंगे ये लोग वहाँ भी हमें जीजा जी को देखो कैसे पकड़ रहे हैं ये कोई रूल थोड़ी है यार अपने आप डर लेना हो प्रसाद ले लेगा इंसान हाँ भाई सही में यूट्यूबर हूँ मैं मेरा चैनल भी देख लो तुम ऐसे तो पकड़ के नहीं बिकेगा ना पकड़ने से प्रसाद बिकता है तो जिसको लेना है वो लेगा नहीं लेना जिसको नहीं लेगा कोई बात नहीं धन्यवाद आपका ये लोग ऐसे ही पकड़ेंगे आपको यहाँ बीच में आगे आगे से लोअर साथ यहाँ पर ऐसे ही मतलब आपको जबरदस्ती प्रसाद देंगे हाथ पकड़ के बहुत पसंद होती है ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं लगा प्रसाद देना आराम से दो ना भाई इत्र अलग होता है परफ्यूम अलग इत्र चढ़ता है और रोज और प्रसाद ले रहे हैं और यहाँ से एंट्री है बहुत भीड़ है कितनी देर में भैया अंदर दर्शन हो जाएंगे कितनी देर में दर्शन हो जाएंगे अंदर 10-15 मिनट में चलो 10-15 मिनट में हो जाएंगे ये बढ़िया भाई फटाफट चलते हैं और दर्शन करते हैं भाई रश देख लो कितना है
अभी हम लाइन में लगे हैं, सबसे पीछे लगे हुए हैं वैसे तो लाइन में, और बहुत आगे तक लाइन है। उनने तो 10 मिनट कहा था, 10 मिनट तो यही लाइन में हो गए हम। मैं भी साली बजाओ, साली बजाओ, राधे राधे करो। हाँ राधे राधे राधे। भाई वो वाली लाइन तो चल गई है वहाँ पर, बस हमारी नहीं चली, चल गई। तो भाई स्पीड तो पकड़ ली है लाइन ने, और मतलब लगभग चल ही रहे हैं सीधा सीधा, ज्यादा भीड़ भी नहीं है, देख सकते हो आप। अभी इसमें लाइव दर्शन आ रहे थे शाम जी के, पहुंचने वाले हम वहां तक, और हमारे लाडो का कंट्रोल आ रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई, जय और गोरे की दरबार। एक सुंदर सा देखो सजा रखा है भाई, क्या राधा रानी की हो गए भाई फाइनली दर्शन, और अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे से दर्शन हुए, राधे हो गए भाई, अब माँ बेटे दोनों ने राधे राधे लगा लिए। बहुत बड़ी मार्केट है, और ये सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 8 भी नहीं बजे, और ये देखो रश कितना है यहाँ पर। और ये है प्रवेश द्वार कुंड का, इधर आगे जाके थोड़ी सफाई हो जाती है तो क्या मजा ही आ रहा था। हेलो लाडो, ये है भाई कुंड का रास्ता, और ऐसे नीचे जाके भोरा कुंड। ज्यादा लंबी लाइन तो नहीं है, बट ठीक है, बहुत अच्छा ठंडा पानी था, एकदम साफ तो नहीं दिख रहा, बट हाँ ठंडा पानी था। और वापिस चल रहे हैं, अब जहाँ पर हमने चप्पल रखी थी अपनी, वहाँ से चप्पल उठाएंगे और आगे निकलेंगे। चलो भाई, ये है जो मेन कुंड था ना नहाने के वाला, वो जगह है ये जिसमें निकले थे। ये मेन कुंड भाई, रियल कुंड, यहाँ से बाबा जी निकले थे। अभी अपन भी नीचे चल के देखते हैं, आप यहाँ नहा भी सकते हो वैसे तो, नहाने का भी स्पेस बहुत है इसमें। ये है भाई मेन कुंड, आराम से लोग मजे से नहा रहे हैं। लाडो नहाएगी। ठाकुर श्री बालकुंड जी मंदिर, ये रास्ते में ही पड़ेंगे मंदिर, हम भी दर्शन करके आए हम लोग। तो फाइनली भाई चप्पल तो ले लिए, ये नहीं देखो लाडो चप्पल पहन रही है, चप्पल पहन रही है लाडो, पकड़ के देखो एकदम पकड़ के सहारा लेती है। और अब कहीं पे खाने के लिए रुकते हैं, प्रसाद वरसाद थोड़ा बहुत ले लिए, अभी का प्लान ये है पहले खाना खाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे सीधा साला सर बालाजी। गाड़ी में सामान वान रख रहे हैं, आगे चल रहे हैं, वहाँ पर एक वेलकम नाम का कोई होटल है, उसमें खाना खाएंगे, मतलब वो सुनने में मतलब हमने यही बोला कि वहाँ पर खाना अच्छा है। तो भाई हमारे होटल से बस 1 मिनट भी दूर नहीं है, वहीं पर हमारा होटल था, और ये है वेलकम होटल, वेलकम रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर जा रहे हैं हम। भाई रिव्यू तो अच्छे थे, अब देखते हैं, बहुत पानी भरा हुआ है हर जगह, रोड भी बन रहा है, डालना। तो भाई खाना आ चुका है, हमने ऑर्डर कर दिया, दाल मंगाई है तड़के वाली, और रोटी यहाँ पर आटा, और ये मेरी लाडो रो रही है, जिसे एक दिन मुंह देख, इसका एक बार मुंह देख ले, टेस्ट करते हैं कैसा है। ठीक है भाई, खाना हो गया खत्म, सबने खाना खा लिया बढ़िया करके, और अब बस बिल करेंगे और निकलते हैं। मौसम बहुत तगड़ा हो रखा है, एकदम काले बादल छाए हुए हैं, बट फिर भी हम चलते हैं, आगे दर्शन करेंगे। तो भाई निकल चुके हैं अब, 1.5 घंटे लगेगा, और अभी इस घड़ी के अनुसार 101 किलोमीटर है, और घड़ी कह रहा हूँ मैप के अनुसार 101 किलोमीटर है, और 1.5 घंटा लगेगा। अभी मत आना बेटा, पीछे बारिश भी हो रही है, तो मतलब हो रही है, आप धीरे धीरे चल के पहुंच जाएंगे आराम।
तो फाइनली हम सालासर बालाजी पहुंच चुके हैं, गाड़ियां पार्क कर दी है, लॉक भी कर देते हैं गाड़ी को। हाँ यहाँ पर रूल है, यहाँ पार्किंग करो और यहाँ प्रसाद लो। भीड़ कम है ना? भीड़ का तो पता नहीं, भीड़ तो के अंदर जाके पता चलेगा, पर वैसे बिहेवियर वगैरह इतना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। प्रसाद ले लो भैया। आप लेके जाओ यार, प्रेम से। ये प्रेम है तुम्हारा, हाथ पूरा दबा दिया था मेरा हाथ इसने, पकड़ के रह गया, रिश्ता करा के मानेगा। ये मार्केट है, यहाँ से हमने लेफ्ट में पार्किंग करी है और यहाँ मार्केट है छोटी सी, यहाँ भी प्रसाद मिलता है वैसे तो। भाई ये है श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अंदर जाके आराम से दर्शन करते हैं। ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से घुसते हैं पहले हम। दर्शन हेतु हमें इस साइड से जाना, गेट नंबर 1, 2, 3 यहाँ से है, मतलब पूरा घूम के हम वापस यही आएंगे सामने, बट पूरा ऐसे सेशन है, पूरा घूम के जाना पड़ता है यहाँ पर। ऐसे ज्यादा भीड़ तो नहीं है यार, बहुत ऐसे मिनिमम भीड़ है, मगर पूरा ऐसे रोटेशन है यहाँ पर। वीडियो और फोटोग्राफी मनाए तो अब मैं वीडियो और फोटोग्राफी नहीं करूँगा, मैं जब बाहर दर्शन कर लूंगा उसके बाद करूँगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मैडम बाहर भी प्रसाद चढ़ता है, मैंने कहा हमारी श्रद्धा का भी तो कोई वो होना चाहिए कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चढ़ाइए चढ़ाइए। और क्या भाई, हम श्रद्धा से आते हैं यहाँ पे। और हमारी लाडू को एक बिस्किट भी मिला है, पंडित जी ने दिया था, है ना, इतनी क्यूट है जो, इसलिए इसे बिस्किट मिला है ना लाडू। या फिर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, बहुत बड़ी मार्केट है सारी, देख रहे हैं यहाँ पर। और भाई साहब बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गुम्बस हो गई है क्योंकि अभी बारिश हुई थी। अब सीन सीधा सीधा सिंपल सिंपल सीन है, अभी चल रहे खाना खाने, बैक करनी है गाड़ी, वो लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं जूते पहन रहा था अपने, अब क्योंकि सीधा दिल्ली निकल रहे हैं, वहीं पे अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा वापस। ठीक है, वहाँ से लगभग 5 मतलब आधा रास्ता हो चुका है हमारा और अब राजस्थान खत्म होने वाला है। और खाने पे मिलने की बात हुई थी, बट अभी बीच में एक जगह दिख गई हमें, ऐसे छोटी मोटी चीजें बनी हुई थी ये। तो भाई टाइम हो रहा है आपका 7:23 और उसके बाद मैं लगातार गाड़ी चला रहा हूँ, लगातार मतलब बिल्कुल लगातार। एक सरप्राइज है जिसके वजह से हमें एकदम बहुत तेजी से आना पड़ा, बहुत ज्यादा तेजी, वो आपको दिखाता हूँ अभी वो सरप्राइज क्या है। एक्चुअली हम लोग आए थे स्कूटी लेने जीजू की, मगर अभी कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से अभी हम घर जा रहे हैं, तो जीजू अभी वापस आएंगे और मतलब आज ही सॉल्व करेंगे इशू, स्कूटी लेके आएंगे, जब भी इस वर्क को कम्प्लीट करके आपको दिखाऊंगा। जो ग्लिच था वो हो चुका है खत्म, ये तो अब वो स्कूटी घर पे आ चुकी है, ये सब पूजा करने के लिए नीचे स्कूटी की। और लाडो मेरे से प्यार करती है नहीं। फाइनली स्कूटी आ गई भाई अपने घर पे, अभी इसी की वजह से हम इतनी जल्दी जल्दी आए हैं, पूरे वहां से 6 घंटे का सफर खैच के पूरा करा है। खैच के कैसे करा है? सीख गई, मेरे साथ ब्लॉगिंग करना है। चलो आप पूजा वूजा करते हैं। आपको मिलवा नेक्स्ट टूर पे इसके साथ।